सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com में, और एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक नए सेशन में, जहां पर आज हम सीखेंगे ओपन डाइस और क्यूब विद ट्रिक्स। तो आज आपके रेलवे की क्लास का 10th लेक्चर है। वो सारे व्यूअर्स जो अभी तक 9 क्लासों से बेनिफिट उठा चुके हैं, आज की क्लास में भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए अपनी रीजनिंग की क्लास में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल। बिल्कुल यहां कमेंट बॉक्स में कमेंट आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कल की क्लास में एक क्वेश्चन डाइस का दिया गया था एज ए होमवर्क, तो उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कि कल एक क्वेश्चन दिया गया था कि डॉट सिंगल डॉट के अपोजिट कितनी डॉट होंगी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ ऑपोजिट ऑफ डॉट वन। गुड इवनिंग वंस अगेन गुंजन, दीपक, अभिषेक, नेहा, नीत, मोहम्मद आफ्ताब, जल्दी से हमें ये बताइए विच डॉट इज ऑपोजिट टू डॉट वन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया गया था। जल्दी से स्क्रीन दिखा दी जाए सर। बिल्कुल स्क्रीन आपके सामने। निमिषा बोल रही है 5, आकाश 5, ब्रजेंद्र 5, 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
आंसर है इस होमवर्क के क्वेश्चन का। तो वेरी गुड, एक्सलेंट परफॉर्मेंस बाय ऑल ऑफ यू। आपने सीखा कल की क्लास में, काफी सारे ट्रिक्स सिखाई गई थी और ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं। और ये रहा आंसर, देखिए ट्रिक्स सिखाई थी हमने आपको कि कॉमन टर्म मिले तो क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देना। यहां पर क्लॉकवाइज घूमोगे तो सिंगल डॉट के बाद आएगा डबल डॉट के बाद आएगा तीन डॉट, सिंगल के बाद क्लॉकवाइज में डबल, डबल के बाद तीन डॉट। इधर देखोगे बेटा तो सिंगल के बाद छह डॉट, ये छह डॉट और यहां पर छह के बाद चार डॉट। अब खुद दिमाग लगाओ, ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट, तो वन के ऑपोजिट कितनी डॉट, तो एक और डॉट वाला सिम बॉक्स दिया गया है फाइव। तो आंसर आएगा बेटा कितनी डॉट होंगी ऑपोजिट, तो आंसर आएगा फाइव डॉट होंगी ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ वन इज फाइव। तो अब तैयार हो जाइए आप लोग आज के सेशन में जिसका इंतजार कर रहे थे बेटा, ओपन डाइस। ओपन डाइस की हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में, ओपन डाइस के क्वेश्चन और साथ ही साथ क्यूब के क्वेश्चन मिलेंगे। पर सबसे पहले कुछ एनर्जी लेकर आए हम लोग, एनर्जेटिक माहौल बनाएं, जरा कमेंट बॉक्स को तेजी से बढ़ाएं, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर दीजिएगा ओपन डाइस करने से पहले। तो सबसे पहले हमें ये बताओ, ओपन डाइस तो बाद में पूछेंगे, ये तो बात का पार्ट है, थोड़ी एनर्जी लेकर आए, जरा एनर्जी लेकर आइए। एनर्जी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि ये बताइए क्यूब में, क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, जल्दी से हमें जवाब दीजिए कि एक डाइस में या क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, जल्दी से, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर इन द क्यूब और डाइस, जल्दी से बताइए। ओपन डाइस पर हम लोग जल्दी से पहुंचेंगे, पर पहले आप ये बताइए डाइस के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं। गुड इवनिंग वंस अगेन, क्विकली आंसर चाहिए, तीन क्वेश्चन के हमें आंसर चाहिए क्विकली, कि बताइए क्यूब के लिए हम बताने हैं आपको कितने कॉर्नर होते हैं। वेरी गुड एनर्जी आ गई सर, कितने कॉर्नर्स होते हैं, हाउ मेनी कॉर्नर, एट 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 एट, वेरी वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, कॉर्नर होते हैं एट। जो लोग आज जुड़े हैं याद रखिए क्यूब के अंदर कॉर्नर होंगे बेटा एट, सही। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि एजेस, एजेस कितने होते हैं, एजेस, एजेस को बोलते हैं किनारे, किनारे कितने होते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट, कितने एजेस होते हैं, एजेस, कॉर्नर एट हो गया, एजेस पर कमेंट करिए कितने एजेस होते हैं किनारे, बताइए जल्दी से।
राहुल सर क्लास बोल रहे हैं 8 सर 8, संजीव 12, शेलू 12, वेरी गुड, 12 12 12 की भरमार आनी शुरू हो गई है। तो ये थोड़ा एनर्जी का पार्ट है कि बिल्कुल सर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, कमेंट बॉक्स पे भी आपके हाथ आने शुरू हो जाए कि हाँ हम आंसर कर रहे हैं, हमारा आंसर पहुंच भी रहा है। गोपाल, अश्विनी, मनीष, गुंजन, दानिश, देवोजीत, शिखा, प्रीतम, लवेश, लवकुश, विनोद, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, 12 12 12 12 12, तो बिल्कुल सही जवाब। एजेस किनारे होते हैं सर 12 12, एजेस 8 कॉर्नर और सरफेस, सरफेस की बात करें तो सर कितने सरफेस होते हैं जरा हमें यहां टाइप करके बताइए, सरफेस, हाउ मेनी सरफेस आर इन दिस डाइस, डाइस के अंदर कितने सरफेस होते हैं, जल्दी से क्विक। मनदीप, महेश, अर्जुन, जोगिंदर, कुश, रामबाबू, कौशिक, जगदीश, पंकज, बिल्कुल इतनी तेजी से आप लिख रहे हो, हम नहीं पढ़ पा रहे भैया, इतने सारे नाम हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम इतने कैपेबल नहीं है इतनी स्पीड से सारे नाम ले पाए। राकेश, मंटोश, दानिश, नैन्सी, उपेंद्र, मयूर, आशीष, विशाल, हमें चाहिए सरफेस, हाउ मेनी सरफेस आर इन द डाइस और क्यूब, जल्दी से। सिद्धि ने कहा 6, जगदीप, सरोज, उपेंद्र, योगेश, बिल्कुल सही जवाब। तो एनर्जी हो गई पूरी, अब चलते हैं सीधा कंसेप्ट की तरफ। देखिए सरफेस हो गए 6, अब ओपन डाइस की बात कर लेते हैं। अब ओपन डाइस के लिए तैयार हो जाओ, और शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट मिलेगा बेटा कि 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सर, स्टाइलस, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हम बिल्कुल यकीन दिला रहे हैं। देखो ओपन डाइस में क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से, ओपन डाइस में आपको 6 के 6 सरफेस दिखाई देंगे, ओपन डाइस के अंदर करेगा क्या, 6 के 6 सरफेस आपको एक साथ दिखा देगा, ओपन डाइस के अंदर 6 के 6 सरफेस आपको एक साथ दिखा देगा, चलिए। और 6 सरफेस दिखाने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए, कि बताइए इस वाले के अपोजिट कौन सा डाइस होगा, इस वाले के अपोजिट कैसे होगा। अब इमेज का खेल है, इमेज का खेल है। देखो डाइस जो 6 सरफेस दिखाएगा वो आपको ऐसे दिखा सकता है, सारी की सारी इंप्लीमेंट करने से पहले इमेज देख लो कैसी कैसी रख सकता है, ऐसी इमेज रख सकता है आपके सामने, कितने बॉक्स हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 के 6 बॉक्स सामने रख देगा, ये एक तरह की इमेज रख सकता है आपके सामने, देखते रहना, आपके सामने ये एक इमेज रख सकता है 1 2 3 4 5 6। अभी ट्रिक बताएंगे, पहले इमेज देख लो कि कितने तरीके से इमेज आपके सामने रख सकता है, एक ये रख सकता है और देख लो, और बात करें तो बेटा एक रख सकता है आपके सामने कि एक तरफ 4 रख दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बॉक्स इधर डाल दे, एक बॉक्स इधर डाल दे, सही है। आपको 6 फेस दिखाएगा और आपसे पूछेगा बताइए इस नंबर के अपोजिट क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और आपसे पूछा जाएगा बताइए इस पर्टिकुलर नंबर के अपोजिट क्या होने वाला है, क्वेश्चन से सीखते हैं क्योंकि क्वेश्चन से जल्दी हम लोग सीख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल फर्स्ट, 6 फेस नजर आ रहे हैं, एक पर के लिखा है, एक पर सी लिखा है, एक पर ए, एक पर डी, एक पर ई, एक पर बी। अब समझना पूछ रहा है बताइए के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, बताना है आपको विच लेटर इज ऑपोजिट टू के, के विपरीत। अगर डाइस ये ओपन कर दिया, अगर डाइस को वापस फोल्ड करके रखा जाए या कुछ भी किया जाए डाइस के साथ, ये इमेज जो नजर आ रही है इसमें जानना चाह रहा है के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, जल्दी से बताइए, फिर हम बताते हैं ट्रिक, पर पहले एक बार चेक कर ले किसी को आता भी है नहीं। रोहित कुशवाहा बोल रहे ई का बी, रोहित कुशवाहा को ई का बी तो बताए, हमने पूछे ऑपोजिट ऑफ के ऑपोजिट ए, आंसर आना शुरू हो गया के का ए, तनुषी बोल रही है के का ए, गौरव बोल रहे के का ए, बहुत जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते होंगे सारे कर लेंगे और 1 सेकंड में सीखेंगे कि 1 सेकंड में करना है। सतेंद्र ए, शशि ए, राकेश यादव, देवोजीत, आर एच, निर्मल, सुनील, अब समझना बहुत ध्यान से ट्रिक क्या है, ट्रिक कहती है बेटा
समझना बेटा ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक कहती है फर्स्ट बॉक्स हमेशा फर्स्ट बॉक्स ऑपोजिट टू थर्ड बॉक्स। याद रखिएगा हमेशा पहला बॉक्स आपके तीसरे बॉक्स के अपोजिट होगा। पहले बॉक्स में जो भी लेटर नंबर या सिंबल कुछ भी लिखा हो तो पहले बॉक्स में लिखा है बेटा के, फर्स्ट बॉक्स में लिखा है के, तो ये किसके अपोजिट होगा, ये तीसरे बॉक्स के अपोजिट होगा और तीसरे बॉक्स में लिखा है ए। याद रखिएगा फर्स्ट बॉक्स इज अपोजिट टू थर्ड बॉक्स, सही है। पहला बॉक्स तीसरे के अपोजिट, सही। आगे समझो, पहला बॉक्स तीसरे के अपोजिट, दूसरा बॉक्स सेकेंड बॉक्स इज ऑपोजिट टू फोर्थ बॉक्स, सेकेंड बॉक्स आपका फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होगा, सही। यहां पर सेकेंड बॉक्स क्या है, यहां पर सेकेंड बॉक्स क्या है, सी। और सी किसके ऑपोजिट होगा बेटा, अगर सी के लिए पूछा जाता तो सी ऑपोजिट होता डी के। याद रहेगा फर्स्ट बॉक्स इज ऑपोजिट टू थर्ड बॉक्स, सेकेंड बॉक्स इज ऑपोजिट टू फोर्थ बॉक्स, और अब जो दो बच गए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट, ये बचा हुआ ई ऑपोजिट होगा बचे हुए बी के। याद रहेगा फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के, सेकेंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के, और बचा हुआ ये जो बच गया है ई, बचा हुआ ऑपोजिट होगा बेटा बचे हुए के, जो यहां पर नजर आ रहा है आपका बी। हो जाएगा सॉल्व, सही है। अब चलो अगले क्वेश्चन पर, वहां इंप्लीमेंट करके देखो कि वहां इंप्लीमेंट हो रहा है क्या नहीं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, और जल्दी से आंसर करके बताना, एक सेकेंड के अंदर बताना विच नंबर इज ऑपोजिट टू थ्री, थ्री के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, जल्दी से बताइए। इमेज चेंज हो गई, विच नंबर इज ऑपोजिट टू थ्री, थ्री के ऑपोजिट आंसर चाहिए। फखरुद्दीन बोल रहे हैं सर क्लियर है सर, छत्रपाल बिल्कुल सर क्लियर, राहुल यस सर यस, मेरा नाम ले लो मोहम्मद फखरुद्दीन बोल रहे हैं, दानिश यस सर, वेरी नाइस ट्रिक, राम नरेश बोल रहे वेरी नाइस ट्रिक। अभी तो बेटा पिक्चर शुरू हुई है, आज टेंथ क्लास का टेंथ क्लास है, अगर नाइन्थ क्लास अब तक ली होती आपने सारी तो आपको पता लगता ट्रिक का भरमार है भरमार। सतीन्द्र बोल रहे वन, नैन्सी फर्स्ट, सेनापति जी वन, वन 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 की बाढ़ लगा दिए यार, वन की तो बाढ़ लगा दिए बाढ़, कि सर ने सिखा दिया तो कैसे गलत करेंगे यार, समझना अभी पकड़ लिया है, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट बॉक्स कौन सा है यहां पर, समझना बहुत ध्यान से, सीक्वेंस वाले को काउंट करते हैं फर्स्ट बॉक्स, समझना सीक्वेंस वाले को काउंट करेंगे फर्स्ट बॉक्स। सीक्वेंस में क्या आ रहा है यहां पर, सीक्वेंस की बात करें बेटा तो फर्स्ट बॉक्स है थ्री, इसके अपोजिट फाइव, फर्स्ट बॉक्स है सिक्स, सिक्स के अपोजिट फाइव, सेकेंड बॉक्स है टू और टू के अपोजिट फोर, सेकेंड के अपोजिट फोर। अब जो बच गया है क्या बच गया है, थ्री, और थ्री के ऑपोजिट होगा वन, तो आंसर लिखेंगे हम ऑपोजिट ऑफ थ्री इज वन, कंफर्म, बिल्कुल सही। जब चेंज होगा इमेज कुछ नहीं आ जाए तब क्या करोगे, तो आप सभी लोगों के सामने चैलेंज रखते हैं हम लोग, जब कुछ नया आ जाएगा तो बच पाओगे क्या नहीं, तो अगली इमेज दिखाते हैं आपको। वेरी नाइस क्लास सर, वेरी नाइस, मजा आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर, ये रहा सर, बहुत ध्यान से सॉल्व करना, ये रहा, इमेज चेंज हो गई, इमेज चेंज हो गई, क्वेश्चन का तरीका बदल दिया सर ने, सिखाया था बदल दिया। अब यहां पर पूछा गया है ऑपोजिट ऑफ जी, जी के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, ये आपको बताना है जल्दी से क्विकली। अब देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा, विच लेटर इज ऑपोजिट टू जी, ए ई आई ओ पी में से कौन सा लेटर है जो जी के ऑपोजिट होगा। धासु ट्रेलर, अभिषेक सिंह राणा बोल रहे धासु ट्रेलर, सौरभ बोले सर मैं लेट हो गया, बेटा 8 बजे आ जाया करो, हम तो 7:45 बजे से चैटिंग करना शुरू कर देते आप लोगों से।
दीपक बोले सर अभी ज्वाइन किया है, ये ट्रिक फिर से बता दीजिए। नहीं बेटा दीपक जी, आप लेट आए हो तो ये आपका फॉल्ट है, बाकी बेचारे हमारे इतने प्यारे स्टूडेंट इतनी देर टाइम से सीख रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड, कल से क्लास में 7:45 आ जाना, 7:45 से टाइपिंग करना शुरू कर देना, सर आपके अवेलेबल होंगे आपसे बात करने के लिए। 7:45 से चैटिंग करना हम स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों से, और 8:00 क्लास स्टार्ट हो जाती है। आंसर आना शुरू हो गया, जी के ऑपोजिट ई। अब ई आएगा या नहीं आएगा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। देखो फर्स्ट बॉक्स के ऑपोजिट थर्ड बॉक्स, जो लोग अभी आए हैं वो भी ध्यान दें, फर्स्ट बॉक्स के ऑपोजिट थर्ड बॉक्स होता है। तो फर्स्ट बॉक्स में लिखा है बेटा ए, फर्स्ट बॉक्स में ए लिखा है तो ए के ऑपोजिट आया थर्ड बॉक्स वाला, थर्ड बॉक्स में भी लिखा है आई, तो ए और आई अपोजिट हुए, समझ लेना। अब सेकंड बॉक्स का फोर्थ बॉक्स होता है वो तो है ही नहीं, अब क्या करें। क्वेश्चन दिमाग में आया कि सर ने सिखाया था सेकंड का फोर्थ होता है, फोर्थ तो है ही नहीं, अब क्या करें। तो वापस वो ही वाली ट्रिक लगेगी, अगर सेकंड का फोर्थ नहीं है मतलब ये बच गया तो छोड़ दो उसको, वापस आ जाओ फर्स्ट बॉक्स का थर्ड बॉक्स, तो वापस इधर वाले में आ जाओ, वापस फर्स्ट बॉक्स का थर्ड बॉक्स, तो फर्स्ट बॉक्स का थर्ड बॉक्स जो आएगा तो यहां पर क्या आएगा बेटा, ओ के ऑपोजिट पी, ओ का पी हो गया, ए का आई हो गया। अब एक और वर्ड हमने याद कराया था, बचा हुआ, जो बच गए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, कौन कौन से बच गए हैं। एक बच गया है हमारे पास ई, तो ई ऑपोजिट होगा बेटा एक जो और लेटर बच गया है जी के, ई इज ऑपोजिट टू जी। तो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने किया वेरी वेल डन, कि जी के ऑपोजिट लेटर होगा ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कितने लोग अगले क्वेश्चन का सही से आंसर कर पाते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा सर। चलो अब आपको बताना है विच नंबर इज ऑपोजिट टू थ्री, थ्री के ऑपोजिट जल्दी से बताइए, ऑपोजिट ऑफ थ्री क्विकली, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। अनन्या बोल रही है सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटा। लतेश बोले नाइस, रवि बोले वेरी गुड, सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक के बटन पर प्रेस जरूर करें। 1500 मेंबर ये ट्रिक का लाभ उठा रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है, वाह वाह सर झकास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर, बहुत मजा आ रहा है, एक नया जोश आ रहा है। ये क्लास जानी जाती है एनर्जी के लिए, तो एनर्जेटिक नंबर चाहिए हमें। 5555555 आंसर आना शुरू हो गया सर, 5 आंसर आ रहा है, 5। अभी और भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट टाइप के, भी कुछ नए नए भी मिलेंगे, अभी कुछ नए अप्रोच से भी सीखेंगे, अभी तो अपोजिट सीख रहे हैं, फिर चलेंगे सीधा क्यूब के ऊपर, वो भी कलर्ड वाले, सही है बिल्कुल। 5 देखो, फर्स्ट बॉक्स के अपोजिट थर्ड बॉक्स, फर्स्ट का थर्ड मतलब 6 का 4, सेकंड का फोर्थ तो है नहीं, सेकंड के फोर्थ तो अपोजिट नहीं, तो वापस वही वाला रूल, फर्स्ट बॉक्स के ऑपोजिट थर्ड बॉक्स, तो अपने आप आंसर आ गया 3 के ऑपोजिट हो गया बेटा 5, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 5, जो आपने आंसर भी कर दिया है, बिल्कुल सही जवाब कि 3 के ऑपोजिट आएगा 5 और बचा हुआ 2 के ऑपोजिट 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और कुछ नया देखते हैं। चलिए ऑपोजिट ऑफ 2, 2 के ऑपोजिट बताइए, इस इमेज में बताइए कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ 2, जल्दी से 2 के ऑपोजिट चाहिए हमें, 2 के ऑपोजिट क्विकली, देखते सबसे तेज कौन आंसर करता है। निमिषा गोयल वेरी गुड, आशीष लाभनी सोमवंशी सोमनाथ योगेश, देखो भैया इतना कैलिबर नहीं हम सबके आंसर पढ़ पाए, 1500 लोग इतनी स्पीड से आंसर कर रहे हैं हम नहीं पढ़ पा रहे। अजय चौहान कपिल मोंटू मेघा प्रेमनाथ जयश्री विश्वजीत श्रीराम सुष्मिता गणेश, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, 3333, तो बिल्कुल बिना किसी देरी के आंसर लिख देते हैं, ये वाला तो लिख ही देते हैं, ये वाला तो बता ही देते हैं डायरेक्टली, 2 के ऑपोजिट होगा बेटा 3, क्योंकि 2 लिखा है फोर्थ नंबर पर,
फर्स्ट बॉक्स का थर्ड बॉक्स, सेकेंड बॉक्स का फोर्थ बॉक्स। तो सेकेंड बॉक्स है थ्री और थ्री के ऑपोजिट फोर्थ बॉक्स ले रखा है टू। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो ट्रिक अच्छी लग रही हो तो लाइक के बटन पर जरूर प्रेस करें। अब चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। सर स्क्रीन को जूम कर दिया जाए जरा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन नए टाइप का आ गया। अगर ये ओपन डाइस दे रखा है आपको, ये ओपन डाइस है, ये ओपन डाइस है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ये ओपन डाइस ऐसा है तो इन चारों में से बॉक्स नंबर वन, बॉक्स नंबर टू, बॉक्स नंबर थ्री और बॉक्स नंबर फोर में से कौन सी इमेज बन पाएगी, ये आपको बताना है। अगर ओपन डाइस दे रखा है तो बॉक्स वन, टू, थ्री और फोर में से कौन सी इमेज बन पाएगी, ये बताना है। अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए, जिन लोगों ने कल की क्लास करी होगी उसको, उनको पता होगा कि बिल्कुल कल सर ने सिखाए थे ऐसे ही क्वेश्चन, ट्रिक बताई गई थी। बिल्कुल जल्दी से जवाब दो, इन चार बॉक्स में से ये कॉन्क्लूजन वन टू थ्री फोर दिया है, कौन सा वाला बॉक्स बन पाएगा। अगर ऊपर वाला ओपन डाइस है तो कौन सा वाला आंसर बन पाएगा, जल्दी से आंसर, फास्ट आंसर, क्विकली। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की बोली लग रही है सर, थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल ध्यान दे, आपको बताना है ओपन डाइस जो दे रखा है नीचे वाले चार बॉक्स में से कौन सा वाला बॉक्स बन पाएगा अगर ये ओपन डाइस दे रखा है तो। चलो देखो इसके लिए ट्रिक समझो। सर एक बार हमें स्क्रीन पर जूम कर दिया जाए जरा। ट्रिक समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से ट्रिक समझो। सर हमें जूम कर दिया जाए, बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से देखो। जब छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो कर लिया, जब इजी इजी क्वेश्चन आए तो कर लिया, फर्स्ट बॉक्स का थर्ड सेकंड का फोर्थ सीख लिया है ना। अब यहां है आपकी परीक्षा, यहां पर है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आंसर लगेगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आंसर लगेगा वरना नहीं लगेगा। अब कंसेप्ट क्या कहते हैं एक जगह पर नोट डाउन कर लेना। वो सारे मेंबर जो डेली बताए गए पॉइंट को लिख रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है, आज ही लिखवा लो हमसे। अब पॉइंट बता रहे हैं नोट डाउन कर लेना जो लिखवा रहे हैं, जब कभी भी आप फर्स्ट जाओगे तो यही पॉइंट आपको बचाएगा। सर स्क्रीन पर लेकर आया जाए, बहुत ध्यान से लिख लेना जो पॉइंट बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से लिख लेना। देखो समझ लेना, लिख लो इस पॉइंट को, ऑपोजिट नंबर्स, ऑपोजिट नंबर्स लिख लीजिएगा इस पॉइंट को बेटा, अपोजिट नंबर्स कैन नॉट बी टुगेदर, कभी भी साथ में नहीं होते, अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, याद रहे इस पॉइंट को। जो नंबर, जो लेटर या जो सिंबल एक दूसरे के ऑपोजिट होगा वो कभी भी साथ में नहीं होगा। इस ट्रिक को इंप्लीमेंट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सर स्क्रीन को दिखाएं जरा, आप देखो दिमाग लगाना, हम सिखा रहे लिखकर है ना। सर स्क्रीन को इधर दिखाए, हाँ अब देखो बेटा बहुत ध्यान से सीखना। देखो हमें सर ने बताया कि ऑपोजिट वाले साथ में नहीं होंगे, तो छह के ऑपोजिट फोर, जिस भी बॉक्स में छह के ऑपोजिट चार होगा वो हट जाएगा। देखो क्या किसी बॉक्स में छह और चार साथ में है, तो हाँ है, छह और चार साथ में है बॉक्स नंबर फोर में, तो बॉक्स नंबर फोर हो गया एलिमिनेट, बॉक्स नंबर फोर हो गया एलिमिनेट। क्यों, छह और चार साथ में है, आगे चेक करो। अब वन के ऑपोजिट है बॉक्स नंबर फाइव, वन के ऑपोजिट फाइव, तो जिस भी बॉक्स में वन और फाइव हो रहे होंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा, पर वन और फाइव किसी बॉक्स में नहीं है, आगे चेक करो। किसी भी बॉक्स में थ्री और ये टू होंगे तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहां चेक करो, थ्री और टू इस बॉक्स में ये एलिमिनेट, थ्री और टू इस बॉक्स में है ये भी एलिमिनेट, तो करेक्ट आंसर होगा बॉक्स नंबर थर्ड। कंफर्म है, समझ आ रहा है? तो बिल्कुल सर थर्ड आंसर होगा, सही जवाब है थर्ड ऑप्शन। तो चलते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, वहां इंप्लीमेंट करके बताइएगा इसको। ये रहा क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं 1600 मेंबर में से कौन सबसे तेज आंसर करता है, जल्दी से आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्विकली
चार बॉक्स में से कौन सा बॉक्स बनेगा? राम पांडे जी, बिल्कुल आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तब। कपिल बोल रहे यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा, आप आंसर करो। आलोक का भी आंसर आ गया है, लेकिन अभी तक यहां सब लोग यही बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिक, बहुत जबरदस्त ट्रिक। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन पर प्रेस जरूर करें, फिर हम चलेंगे क्यूब के क्वेश्चंस की तरफ। सविता फोर, सेकेंड फोर, सेकेंड फोर, सेकेंड आंसर आ रहे हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं सही जवाब क्या होगा। देखो सिक्स के अपोजिट है फोर, समझना बेटा ध्यान से, सिक्स के अपोजिट फोर, अगर सिक्स के अपोजिट फोर है तो कौन कौन से बॉक्स एलिमिनेट होंगे, समझो सिक्स का अपोजिट फोर कौन कौन से बॉक्स एलिमिनेट हुए, तो एलिमिनेट हुआ बॉक्स नंबर फोर, बॉक्स फोर एलिमिनेट हो गया। फाइव के अपोजिट थ्री, अगर फाइव के अपोजिट थ्री है तो कौन सा बॉक्स एलिमिनेट होगा, बेटा एलिमिनेट होगा बॉक्स नंबर थर्ड, ये भी एलिमिनेट। सिक्स के फोर से ऑप्शन नंबर चार गायब, फाइव के थ्री से ऑप्शन नंबर तीन गायब, अब टू का वन चेक करो, टू का वन ऑपोजिट कहीं आ रहा है, टू का वन, तो बेटा देखो टू का वन आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, बॉक्स फर्स्ट भी कैंसिल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, क्लियर हो रहा है। तो बिल्कुल 1650 मेंबर जो यहां देख रहे हो वो ट्रिक सीखते रहना, ऑपोजिट नंबर साथ में नहीं होते, जब साथ में वो ऑपोजिट नंबर नहीं होंगे तो आपका जो ऑप्शन बच गया है वो है बॉक्स नंबर सेकेंड, और यही आपका आंसर है, वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर लेना बहुत अच्छा ही से, 1650 मेंबर में कॉम्पिटिशन है आपका, तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक के बटन पर जरूर प्रेस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर सर, चलिए फटाफट सर स्क्रीन को जूम कर दिया जाए, स्पीड से आंसर करो, क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन चेंज थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें इमेज दूसरे टाइप की दिखा दी हमने, जल्दी से आंसर करिए क्विकली, नाइस ट्रिक। सतीश बोल रहे नाइस ट्रिक, धर्मवीर वेरी गुड सर, याद रहे अभी हम लोग क्यूब पर भी जाएंगे जहां पर हम लोग सीखेंगे कैसे कलरफुल क्यूब को सॉल्व करें, वेरी गुड। इनकम पैसा लाइक कर रहे मनोज कुमार, लाइक लाइक लाइक, ताबड़तोड़ बैटिंग करिए ताबड़तोड़। अंशुल झा वेरी गुड सर, आई लाइक योर सर, यू आर ग्रेट, मजा आ गया, मजा आ रहा हो तो एक बार हमें भी मजा दिलाओ, यहां पर लाइक के बटन पर प्रेस करो जो हमें भी थोड़ा एनर्जी मिले, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स लेकर आते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप में से हर एक मेंबर का सिलेक्शन हो, कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिले, और एक नए जज्बे के साथ जब एग्जाम में आप बैठो तो आपका सिलेक्शन हो, जब एग्जाम में बैठो तो लगे हाँ ये क्वेश्चन सर ने कराया था, कराया था तो क्यों नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा। आप देखो सॉल्व करते हैं, वन के ऑपोजिट फोर, वन के अपोजिट फोर तो चेक करो वन और फोर कहीं है, तो नहीं सर वन और फोर से कोई बॉक्स एलिमिनेट नहीं होगा, वन और फोर कहीं पर भी नहीं है। थ्री के ऑपोजिट टू, तो थ्री और टू कहां पर है देखते हैं, पहला बॉक्स कैंसिल, दूसरा बॉक्स कैंसिल, अब चेक करो थ्री और बचा हुआ सिक्स और फाइव, सिक्स और फाइव कहां पर है चेक करिए, तो बेटा सिक्स और फाइव है बॉक्स नंबर थर्ड में, फोर्थ में, तो करेक्ट आंसर होगा बॉक्स नंबर थर्ड, वेरी वेल डन। जिन लोगों ने कहा है बॉक्स नंबर थर्ड वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, नया डायग्राम, जल्दी से सॉल्व करो, क्विकली क्विकली आंसर कीजिए, क्वेश्चन चेंज हो चुका है बेटा, जल्दी से क्विकली आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी क्विकली आंसर चाहिए, बहुत तेजी से, हां क्विक क्विक क्विक, बिल्कुल सही जवाब था थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही था, जिन लोगों ने थर्ड ऑप्शन किया मजा आ गया यार, मजा आ गया बिल्कुल लिटरली, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने सिखाया और आपने पिक कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, उसका आंसर करिए और फिर चलेंगे क्यूब के ऊपर, क्यूब पर चलेंगे और उसको भी ऐसे सिखाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, इस बार भी ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आ रहा है,
वेरी गुड, ऑप्शन थर्ड आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सिक्स के अपोजिट फाइव इज सिक्स के अपोजिट फाइव, ये दोनों हो गए अपोजिट, तो चेक करते हैं कौन सा बॉक्स कैंसिल। तो सिक्स का फाइव हुआ बेटा बॉक्स नंबर फोर कैंसिल, बॉक्स चार कैंसिल हुआ। टू का फोर, टू का फोर देखते हैं कौन सा बॉक्स कैंसिल हुआ, तीसरा दूसरा बॉक्स कैंसिल हुआ। अब वन का थ्री चेक करो, वन का थ्री कहां पर बॉक्स कौन सा कैंसिल हो रहा है बेटा, तो वन का थ्री कैंसिल हो रहा है बॉक्स नंबर वन, तो करेक्ट आंसर आएगा बॉक्स नंबर थर्ड। वेरी वेल डन, बॉक्स नंबर थर्ड आ गया है सही जवाब। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा कर लोगे, यहां बताओ कर लोगे ना, हो जाएगा ना, मेहनत वसूल है, हो जाएगा सॉल्व, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, कर लोगे ना, यस सर, थ्री 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 थ्री, वेरी गुड, सही जवाब बॉक्स नंबर थ्री। और कितना सेकंड लगेगा, एक से दो सेकंड, मैक्सिमम पांच सेकंड लग जाएगा, चलो पर कर लोगे और सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्या है देखो, अगला आ गया क्यूब, जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। इसके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करनी होगी, बहुत ध्यान से कंसेप्ट को सीखना होगा बेटा। तो तैयार है आप लोग, रेडी फॉर द क्यूब, कि कैसे कलरफुल क्यूब को सॉल्व करें। कलरफुल क्यूब, कलरफुल क्यूब आएगा तो बेटा सॉल्व करने के लिए तैयार हो, जल्दी से बताओ रेडी हो, तो शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी 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 यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर रेडी है, बहुत टाइम हो गया सर, इंतजार कर रहे थे इसके लिए। डाइस खत्म, अब क्यूब पर आ गए हैं, क्यूब में हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे घन को सॉल्व करें। कलरफुल क्यूब को समझना बहुत ध्यान से, देखो आपसे जब भी क्यूब का क्वेश्चन आएगा तो कितने क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, समझना बेटा बहुत ध्यान से, वो आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है वो सुन लो पहले। एक तो वो पूछेगा मैक्सिमम कितने क्यूब बनेंगे, मैक्सिमम क्यूब, ज्यादा से ज्यादा कितने क्यूब बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछेगा मैक्सिमम क्यूब। क्वेश्चन नंबर वन लिख लेना, कौन कौन से क्यूब पूछेगा वो, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा नोट डाउन कर लेना, बाद में मत कहना कि सर रह गया, क्योंकि हम तो मिटा देंगे, है ना। पहला क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम क्यूब, अभी सुन लो, सिखा नहीं रहे अभी तो समझा रहे हैं बस। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कितने ऐसे क्यूब हैं जो तीन कलर से रंगे हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा बेटा थ्री कलर से पेंटेड, थ्री कलर पेंटेड, सही है। पहला मैक्सिमम क्यूब, दूसरा थ्री कलर से पेंटेड, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और हम लोग एक ही बारी में सारे सीख लेंगे, हम लोग सीखेंगे यहां पर बैठा लेंगे, समझेंगे हम लोग, और समझने के बाद कुछ भी पूछे यार बिल्कुल हो जाएगा, कुछ भी पूछे एक्स वाई जेड। मैक्सिमम क्यूब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन थ्री कलर वाले, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा टू कलर वाले, बताओ टू कलर वाले, चौथा क्वेश्चन पूछेगा बेटा क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछेगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट भी होते रहे, नोट्स भी बनते रहे। मैक्सिमम क्यूब, थ्री कलर क्यूब, टू कलर क्यूब और वन कलर क्यूब, वन कलर क्यूब, और आखिरी वाला, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच, नो कलर पेंटेड, जिस पर कोई भी कलर पेंट ना हो, नो कलर। ये पांच क्वेश्चन आपको करने हैं, इन पांचों में से कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा, और जब भी क्यूब पूछेगा दो से तीन क्वेश्चन पूछेगा, तो रेडी है, सीखिएगा बहुत ध्यान से, इन पांच क्वेश्चन को सीखना है। मैक्सिमम क्यूब, थ्री कलर पेंटेड, टू कलर पेंटेड, वन कलर पेंटेड और नो कलर पेंटेड, वन कलर पेंटेड और नो कलर पेंटेड, वन कलर और नो कलर। अब समझना, पहले समझ लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो कहीं पर, समझ लेना बेटा बहुत ध्यान से, हम लिख रहे हैं साइड में आपके लिए स्टाइलस, चलिए लिख रहे हैं हम आपके लिए बहुत ध्यान से। देखो जब भी थ्री कलर की बात करेगा, लिख लेना बेटा, थ्री कलर की जब भी बात होगी तो हम देखेंगे कॉर्नर को, कॉर्नर,
सुन लो ध्यान से, कहां पर ढूंढोगे क्यूब कहां है, कहां पर ढूंढोगे क्यूब कलर कहां पर है, तो लिख लो। जब भी वो पूछेगा थ्री कलर, जब भी वो थ्री कलर की बात करेगा, हम ढूंढेंगे कॉर्नर पर। कहां पर ढूंढें, कहां पर ढूंढेंगे, तो बेटा हम ढूंढेंगे कॉर्नर पर। सही है, थ्री कलर को ढूंढेंगे कॉर्नर पर। जब भी दो कलर की बात करेगा तो दो कलर को ढूंढेंगे। लिख लेना, नोट डाउन कर लेना बेटा, बाद में मत कहना सर कहां पर थे ये, फिर से बता दो। थ्री कलर को ढूंढेंगे कॉर्नर पर, दो कलर को ढूंढेंगे एजेस पर, एजेस। तीन कलर कॉर्नर, दो कलर एजेस, और वन कलर को ढूंढेंगे बेटा सरफेस से, जो सरफेस एरिया रहता है थ्री और टू कलर का छोड़ने के बाद। सही है, थ्री कलर कॉर्नर पर, टू कलर एजेस पर, वन कलर सरफेस पर, और सरफेस कितने होते हैं, छह सरफेस पर ढूंढेंगे। सही, और नन कलर, जीरो कलर जो होता है नन कलर, वो कहां पर मिलेगा, जो बच जाएगा, जो इन सब के बाद बच जाएगा वो होगा नन कलर। बचे हुए जो होंगे वो होंगे अनपेंटेड, बचा हुआ होगा अनपेंटेड। तो तैयार है आप लोग, अब क्वेश्चन दिखाते हैं और आपको समझाते हुए सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन और वो आपको सीखना है। देखो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, समझना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, बहुत अच्छे से समझना। एक घन जिसकी सभी छोर 4 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर, तीन अलग अलग कलर काला नीला और लाल से पेंट कर दिया। एक क्यूब को तीन कलर से पेंट कर दिया, और अभी हमने दिखाया था क्यूब, देखो ये रहा तीन कलर से पेंटेड, दिख रहा है काला, काला भी है, नीला भी है और लाल भी है, तीन कलर से पेंटेड है। सही है, अब आगे देखो, काला नीला लाल हो गया, पेंटेड हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सुनना आगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है इनके विपरीत फलक ऑपोजिट साइड भी सेम कलर से है, मतलब दो पेंट हुए ब्लैक कलर से, दो साइड ब्लैक कलर से पेंटेड, दो साइड हुई आपकी कौन से कलर से पेंटेड, ब्लू से, और दो साइड हुई बेटा आपकी पेंटेड रेड कलर से, दो ब्लू दो ब्लैक दो रेड। सही है, दो ब्लू से पेंटेड, दो ब्लैक से, दो रेड से, ये पेंटेड है। ठीक, अब समझो, उसके बाद से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया। सही है, तो पूछ रहे कितने क्यूब बन सकते हैं, आपको यहां टाइप करना, कुछ लोगों ने लिख भी दिया 64 64 64, वेरी गुड, 64 क्यूब। अब देखो कैसे 64 क्यूब आएगा नहीं आएगा वो देख लो, 4 सेंटीमीटर का क्यूब 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में काटा, 4 सेंटीमीटर का क्यूब 1 सेंटीमीटर वाले हिस्सों में काटा, तो 4 डिवाइड बाय 1 कितना आया, 4, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3, क्यूब का मतलब पावर 3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने छोटे छोटे क्यूब बन सकते हैं, तो जवाब आएगा 4 की पावर 3, दैट इज 64। समझना ध्यान से, 4 सेंटीमीटर का क्यूब 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, तो मैक्सिमम कितने क्यूब बन सकते हैं छोटे वाले, तो 4 की डिवाइड कर दिया किससे, 1 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में काटा, तो क्या कर दिया, क्या आया 4 डिवाइड बाय 1, आया 4, और 4 का क्या कर देंगे क्यूब, और 4 का क्यूब मिल जाएगा 64। ये आपका सही जवाब होगा। सही, अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है, समझना। इसी क्वेश्चन में हमने चेंज कर दिया कि ये क्यूब जो है आपको हमने चेंज कर दिया, यहां पर 4 सेंटीमीटर की जगह लिख दिया 6 सेंटीमीटर, 4 की जगह हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, यहां 4 की जगह 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है अगर 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है और 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे पीस में काट दिया, तो कितने क्यूब बनेंगे, जल्दी से बताओ,
कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे अगर 6 सेंटीमीटर का क्यूब होता तो? जल्दी से क्विकली बताओ, 6 सेंटीमीटर का क्यूब 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। सोहन ने सबसे पहले आंसर दिया, गुरुदेव कुमार ने भी आंसर कर दिया, आनंद ने भी आंसर कर दिया, भूमिका वेरी गुड वेरी वेल डन। 6 सेंटीमीटर का क्यूब 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, तो सीख लेना बचे हुए लोग भी। तो 6 डिवाइड बाय 1 आएगा 6, और 6 का क्या कर दोगे क्यूब, तो 6 का क्यूब कर दोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 216। करेक्ट आंसर होगा 216। वेरी वेल डन। अब आगे चलो, हमें पता लग गया, अब इसी वाले को आगे देखो, इसी वाले को 4 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बन रहे थे, 64, सही है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 4 सेंटीमीटर, इसी की बात कर रहे, सुन लेना पहले। अब इसी के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने, मैक्सिमम तो हो गए 64 क्यूब है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बन सकते हैं, 64। याद रखिएगा ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन को ध्यान दीजिएगा, अब इसी के ऊपर आगे के क्वेश्चन करने आपको, सही है। 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 1 सेंटीमीटर में कट किया तो मैक्सिमम क्यूब बनेंगे 64। अब इसी को सॉल्व करना है आगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा देखो, इसको सॉल्व करो। बोल रहे कितने ऐसे क्यूब होंगे जो 3 तरफ से पेंट होंगे, इसकी ट्रिक बताएंगे, पर पहले आप आंसर बताओ, ट्रिक से हम सॉल्व करवाएंगे लेकिन पहले आप आंसर बताओ, कितने क्यूब ऐसे होंगे जो 3 तरफ से पेंट होंगे, जल्दी से क्विकली। 1800 मेंबर्स, हम ट्रिक बताएंगे लेकिन पहले आंसर चाहिए। पूजा यादव 8, देवोजीत 8, जजाति जी 0, पुनीत ओके सर, विश्वजीत 216, 8 8 8 8 8, वेरी गुड वेरी वेल डन। देखते हैं 8 सही आंसर है या नहीं है, एक बार पानी पी ले जरा, रुक जाओ। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाई थी हमने कि जब भी बात करेगा 3 फेस, हमने ट्रिक सिखाई थी 3 फेस की, जब भी बात करेगा तो 3 फेस मिलेंगे कॉर्नर पर, समझ लेना ध्यान से, 3 फेस मिलेंगे कहां पर, कॉर्नर पर, और कॉर्नर कितने होते हैं 8। तो जवाब है इस क्वेश्चन का, कितने ऐसे क्यूब होंगे जो 3 कलर से पेंट होंगे, तो बेटा आंसर आएगा 8। कैसे देखो, इंप्लीमेंट करो इस पर, इंप्लीमेंट करो कैसे 8, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, आंख खोलकर देख लेना, कभी गलत नहीं होगा। कितने ऐसे क्यूब होंगे जो 3 साइड से पेंट होंगे, अब देखो हमें दिख रहा है कोई, देखो हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये देखो इसको चेक करो, ये कॉर्नर ही तो है, ये वाली साइड कॉर्नर ही तो है, ये वाला जहां पर लाल कलर भी मिल रहा है, काला भी मिल रहा है और नीला भी मिल रहा है, लाल कलर भी मिल रहा है, काला भी मिल रहा है, नीला भी मिल रहा है, तो एक तो ये कॉर्नर हो गया, एक ये वाला कॉर्नर, ये वाला, दो कॉर्नर, एक इधर एक इधर। 1800 मेंबर जो यहां देख रहे हैं वो समझते रहना, एक कॉर्नर दो कॉर्नर, सबसे डिफिकल्ट आएगा 1 वाला ढूंढना और 2 वाला ढूंढना और 0 वाला ढूंढना, तीसरा कॉर्नर ये जो छुप गया है, चौथा कॉर्नर ये, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, 4 कॉर्नर ऊपर की तरफ और 4 कॉर्नर नीचे, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो हमारे पास भी 3 कलर से पेंटेड बेटा 8 ही हो सकते हैं, 8 कॉर्नर। तो ऐसे कितने होंगे जो 3 कलर से पेंटेड होंगे, जवाब आएगा सर 8। और ये ऐसा आंसर है कभी चेंज नहीं होता, ये ऐसा आंसर है जो कभी चेंज नहीं होता, 8 कॉर्नर मतलब 8 ऐसे होंगे जो 3 कलर से पेंट होंगे, लिख लेना। हमारा स्टाइलस थोड़ा कम चल रहा है, आप इससे काम चला लेना, आपका पेन बिल्कुल चल रहा होगा। 8 कॉर्नर इसलिए 8 होंगे ऐसे जो 3 कलर से पेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक चीज और है नोट डाउन कर लेना, जो एक बार काउंट कर लेते हैं उसको बार बार काउंट नहीं करते। ये रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव ओनली 2 फेस पेंटेड, ऐसे कितने होंगे जो 2 तरफ से पेंट होंगे। ट्रिक तो हमने बताई थी, आप एक बार आंसर करो, हम बिल्कुल डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी से क्विकली। ऑलवेज सर 8 होगा, बिल्कुल हिमांशु जी बिल्कुल सही कहा आपने, आयशा बिल्कुल 8, आशीष 8, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 8 कर दिया, लेकिन आज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ,
कितने ऐसे क्यूब होंगे जो दो तरफ से पेंट होंगे, दो तरफ से, टू साइड पेंटेड, कितने क्यूब होंगे? 24 आंसर आना शुरू हो गया। कुछ लोग बोले 12, कुछ लोग बोले 16। बस यही इसी चीज का फेर है, 16 आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का 12 आ रहा है, कुछ लोगों का 24 आ रहा है। चलो सीखते हैं समझते हैं। देखो यहां देखो, वही वाला क्यूब है। हमने आप लोगों से बोला था बेटा, हमने आप लोगों से कहा था, जब कभी भी हमने बताया था, जब कभी भी टू फेस या टू कलर बोलेगा तो हमने कहा था टू कलर वाले कहां मिलते हैं। जब कभी भी दो कलर की बात करेगा तो बेटा वो दो कलर वाले कहां मिलते हैं? दो कलर वाले मिलते हैं एजेस पर। सुन लो ध्यान से, टू कलर वाले मिलेंगे एजेस पर, और एजेस कितने होते हैं? 12। एजेस होते हैं 12। एजेस मतलब किनारे, कोने नहीं, किनारे। और आपकी भाषा में बोले, आपकी भाषा में तो किनारों को आप समझ सकते हो लाइन। कितनी छोटी छोटी लाइन से मिलकर क्यूब बना होता है बेटा? तो केवल छोटी छोटी 12 लाइनों से मिलकर ये बना है, चार ऊपर चार नीचे, दो दाएं दो बाएं। अब समझो, किसी भी एक लाइन पर ढूंढ लो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो किसी भी एक लाइन पर ढूंढ लो, इसमें कितने क्यूब नजर आ रहे हैं? दो, एक ये रहा, एक ये रहा। इस वाली लाइन पर कितने क्यूब नजर आ रहे हैं? दो कलर से पेंटेड, दो। किसी भी एक लाइन पर ढूंढ लो, एक लाइन पर मिलेंगे आपको कलर दो तरफ, दो कलर से पेंटेड, आपको कितने क्यूब मिलेंगे? दो क्यूब मिलेंगे, दो क्यूब। एक लाइन पर मिलेंगे दो क्यूब, तो कितनी लाइनें हैं ऐसी? 12 लाइनें हैं बेटा, 12 लाइनें हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 2 × 12, और आपका आंसर आ जाएगा 24। 2 × 12 कितने ऐसे क्यूब होंगे जो दो तरफ से पेंटेड होंगे? 24। सही है, क्यों? कॉर्नर वाले तो हमने पहले गिन लिए, उनको हटा दो, कॉर्नर वालों को फिर नहीं गिनना, कॉर्नर वालों को मत गिनना, उन पर तो तीन कलर से पेंटेड है। वेरी गुड समाया राज, 24। सोयल बिल्कुल 24, गणेश राम 24, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो फिर से देख लो एक बार बेटा, बहुत अच्छे से, वेरी वेल डन। कितने ऐसे क्यूब है जो क्यूब होंगे जो दो कलर से पेंट होंगे? हमने कहा था टू फेस मिलेंगे एजेस पर, टू फेसेस मिलेंगे एजेस पर, और एजेस कितने होते हैं? 12, है ना, एजेस कितने होते हैं? 12। अब जब भी 12 की बात होगी तो एक एज पर काउंट कर लो, एक लाइन पर काउंट कर लो सर स्टाइलस, एक एज पर काउंट कर लो, दो आ रहे हैं तो 12 पर काउंट करोगे 12 × 2, जवाब आ जाएगा बेटा 24, 24, 12 × 2, 24। सही है, आगे चेक करते हैं। देखो कॉर्नर काउंट मत करना, ये एरो भी बता रहा है। देखो एक लाइन पर कितने हैं? दो। किसी भी एक लाइन को ले लो, इस वाली को ले लो, इस वाली को ले लो, इधर वाली को ले लो, इधर वाली को ले लो, किसी को भी ले लो, हर एक लाइन पर दो ही ऐसे क्यूब मिलेंगे जो दो कलर से पेंटेड होंगे, क्योंकि कॉर्नर वालों को तो हटा देंगे। देखो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, ये कॉर्नर हट गए तो कितने बच गया? एक ये बच गया और एक ये बच गया। एक लाइन पर दो तो 12 लाइन पर हो जाएंगे 24। सही, अब आगे चलो एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वन फेस पेंटेड। कितने ऐसे क्यूब होंगे जो एक कलर से पेंट होंगे, एक कलर से पेंटेड होंगे, ये बताना है जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने ऐसे क्यूब होंगे जो एक कलर से पेंट होंगे? और एक कलर से पेंट होंगे, हमने ट्रिक बताई थी, मिलेंगी ये सरफेस के ऊपर, सरफेस पर। और सरफेस कितने होते हैं बेटा? 6। तो केवल एक फेस पर ढूंढ लो, मल्टीप्लाई कर दो 6 से। वेरी गुड, 12 12, कुछ लोग बोले 12, 24 24 24 12 24 12 24 12। चलिए देखते हैं 24 आएगा 12 आएगा। चलिए देखो ध्यान से, देखो हम लोगों को बोल रहा है कितने ऐसे क्यूब हैं जो एक तरफ से पेंटेड हैं। हमने बताया था ट्रिक कि एक तरफ वाले मिलेंगे सरफेस पर। अब देखो बहुत समझना ध्यान से, ये कॉर्नर में काउंट हो गया, ये हटा दिया, समझना बहुत ध्यान से, ये कॉर्नर में काउंट हो गया,
ये भी कॉर्नर में काउंट हो गया, सही है, ये कॉर्नर में काउंट हो गए। आगे देखो, ये दो साइड में काउंट हो गया, ये भी दो साइड में काउंट हो गया, तो ये भी हट गया, ये चारों ऊपर वाले हट गए, ये भी टू साइड में काउंट हो गया, ये भी टू साइड में काउंट हो गया, ये थ्री में काउंट हो गया, तो ये भी चारों हट गए, ये भी कैंसिल, ये कॉर्नर में काउंट हो गया राइट साइड वाला, ये कॉर्नर में काउंट हो गया, ये दो साइड में काउंट हो गया, तो ये भी चारों हट गए। कितने बचे? चार बचे, केवल चार। क्यों? ये भी दो साइड में काउंट, ये भी दो साइड में काउंट, तो ये भी कैंसिल, ये सारे कैंसिल, केवल एक बॉक्स में बचे चार, एक बॉक्स में वंस कलर से पेंटेड बचे चार। और अगर एक बॉक्स में चार बचे हैं तो बेटा कितने ऐसे बॉक्स हैं? एक बॉक्स में बचे चार और ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हैं? सर ऐसे ऐसे बॉक्स हैं छह। एक बॉक्स में चार और ऐसे ऐसे बॉक्स हैं छह, तो छह बॉक्स में कितने होंगे? चार इंटू छह चौबीस। वेरी गुड, जिन लोगों ने 24 लिखा है एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? वेरी गुड, एक बार लिखकर बता दो, यस सर समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब देखो, दो तरीके हैं आखिरी क्वेश्चन करने के, दो तरीके हैं आखिरी क्वेश्चन करने के, वो सुन लो, दोनों सुन लो ध्यान से। पहला कि जितने सारे ढूंढ लिए वो सारे जोड़ो और टोटल में से घटा दो, है ना? टोटल कितना था समझना बहुत ध्यान से, टोटल कितना था? टोटल था 64, टोटल में से घटाना है। थ्री साइड वाले कितने मिले? थ्री कलर वाले 8, टू कलर वाले कितने मिले? टू कलर वाले 24, वन कलर वाला मिला, वन कलर वाला 24, सही है। 64 में से इनको जोड़कर घटा दो, 24 दुनी 48 और 8 56, 64 माइनस 56, कितने ऐसे होंगे जो जीरो कलर से पेंट होंगे, अनपेंटेड होंगे? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था अनपेंटेड, अगला वाला अनपेंटेड है ना, कितने ऐसे होंगे जो अनपेंटेड होंगे? तो अनपेंटेड वाला सुन लो, अनपेंटेड वाला अगर हम बात करें, ये नजर नहीं है, नजर नहीं आ, चलो वापस देखो एक बार, अनपेंटेड हमसे पूछ रहा है, बस दो मिनट लेंगे खत्म हो जाएगा उनसे डस्टर। चलिए बहुत ध्यान से समझना, अनपेंटेड वाले को लास्ट क्वेश्चन रह गया बस ये, फिर आपके मैथ गुरु आएंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से देखो, कितने ऐसे होंगे जो जीरो कलर से पेंट होंगे? जल्दी से देखो, जीरो कलर से पेंटेड पूछ रहा है, जल्दी से आंसर करो, टोटल में से घटा दो। देखो टोटल था 64, टोटल 64, ये देखो थोड़ा सा स्टाइलस दिक्कत कर रहा है, फिर भी आपके लिए समझा दें। तीन कलर से पेंटेड हमें मिले 8, तीन कलर से पेंटेड 8, दो कलर से पेंटेड हमें मिले 24, वन कलर से पेंटेड मिला हमें 24, वन कलर से पेंटेड हमें मिला 24। आप देखो बेटा 64 में से टोटल में से ये सारे घटा दोगे तो बचे हुए 8 वो हो जाएंगे जो अनपेंटेड होंगे, अनपेंटेड 8 होंगे जो अनपेंटेड होंगे। और इसका शॉर्टकट चाहते हो तो शॉर्टकट क्या है इसका, इसका शॉर्टकट देख लो, n माइनस 2 का क्यूब, ये है शॉर्टकट जिससे आपका अनपेंटेड निकल जाएगा। सुन लीजिए, n माइनस 2 की पावर 3 और n कितना है 4, 4 माइनस 2 की पावर 3 कर दोगे तो शॉर्टकट से भी आंसर निकल कर आ जाएगा a। n कहां से आया? जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था n 4 सेंटीमीटर वाला। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कल की क्लास होगी बहुत जबरदस्त, क्लॉक की इतनी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, कैसा लगा सेशन एनर्जी के साथ बिल्कुल बताइएगा, और कल की क्लास बहुत जबरदस्त होगी, टाइम से क्लास में आ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, और बोलते रहिएगा अब रेलवे हमारा है, थैंक यू सो मच।